गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट. कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है? वो सिक्योरिटी मार्केट जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, उन्हें हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं. तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो इंडस्ट्रियल फर्म्स की होती है वो इशू की जाती हैं, उन्हें सोल्ड और परचेज किया जाता है, उसे हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं. इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है. तो सबसे पहले जो हम पार्ट करेंगे दैट इज प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का जो दूसरा नाम है दैट इज न्यू इशू मार्केट. जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि वो मार्केट जहाँ पे न्यू इशू किया जा रहा है, न्यू इशू लाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट. प्राइमरी मार्केट मार्केट होती है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए. इस मार्केट में इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, मेथड्स, मैकेनिज्म, सर्विस प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व जो हैं फॉर रेजिंग फ्रेश कैपिटल न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनीज दोनों के थ्रू. अगर वो फ्रेश कैपिटल रेस करना चाहते हैं उन, तो दोनों के थ्रू जो फ्रेश कैपिटल रेस की जाती है वो इसी मार्केट के थ्रू की जाती है. इस मार्केट में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो जो भी आपके पास इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड है जिनके पास सरप्लस मनी है वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मार्केट में. इन एक्सचेंज ऑफ का मतलब है कि कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, उन सिक्योरिटीज़ कि में जो कंपनीज और जो गवर्नमेंट है वो इशू कर रही है. प्राइमरी मार्केट डील करती है सिर्फ और सिर्फ न्यू इशू में, न्यू सिक्योरिटीज में, मतलब वो सिक्योरिटीज़ जो फर्स्ट टाइम इशू की जा रही हैं. तो जो इशूअर है वो नई कंपनी भी हो सकती है और एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है. नई कंपनी है तो नया इशू निकाल रही है तो फर्स्ट टाइम हो गया. एग्जिस्टिंग कंपनी अगर नया इशू निकाल रही है तो उसे भी फर्स्ट टाइम इशू ही माना जाएगा. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर आप फर्स्ट जो इशू निकालते हो अपना तो उसे IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है. लेकिन अगर आपने IPO निकाल लिया है उसके बाद फर्दर आप आगे और इशू निकाल रहे हो तो उन्हें FPO कहा जाता है, दैट इज़ फॉलो अप पब्लिक ऑफर भी आप इसे कह सकते हैं या फर्दर पब्लिक ऑफर भी आप इसे कह सकते हैं. तो ये किस फॉर्म में होती है? न्यू फ्लोटेशन पब्लिकली और प्राइवेटली इन द फॉर्म ऑफ राइट ऑफर हो सकता है जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं. देन आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यू इशू मार्केट के या प्राइमरी मार्केट के. सबसे पहला जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वहीं से इसके फीचर्स निकल के आते हैं. पहला, मार्केट है न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए. इसकी कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती. ये वही जैसे हमने पहले अपने लेक्चर्स में बात की है कि इसकी कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती है, वर्चुअल फॉर्म में आप इसे देखते हैं. जैसे अगर सपोज कंपनी ने इशू निकाला है उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स के थ्रू या अपनी साइट्स के थ्रू दी है और जो पर्सनस हैं, इन्वेस्टर सेवर्स हैं जो वहाँ पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी, तो वो जिस भी मीडियम के थ्रू उस इशू को सब्सक्राइब करेंगे वो फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ न्यू इशू मार्केट. जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अगर उसे फ्रेश रिसोर्सेज रेस करने हैं तो वो इसी मार्केट के थ्रू करता है. मार्केट की कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है. ये रिकॉग्नाइज्ड होती है सिर्फ उन सर्विसेज से जो ये रेंडर कर रही है, जो ये सर्विसेज दे रही है. सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज एक्ट जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इस मार्केट को किस तरीके से, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, वेरियस गाइडलाइंस देके कि अगर आपने न्यू इशू निकालना है तो क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, अगर आपने राइट इशू निकालना है तो क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, अगर आपने ऑफर फॉर सेल करना है, अगर आपने ग्रे मार्केट में अगर कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं या फिर अगर पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस आप निकाल रहे हो तो वो बोनस शेयर्स आप निकाल रहे हो उनके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनीज एक्ट देते हैं उनके थ्रू वो इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस क्या हैं न्यू इशू मार्केट के. बेसिकली तीन फंक्शंस हम न्यू इशू मार्केट के देखते हैं. पहला है ओरिजिनेशन, दूसरा है अंडरराइटिंग और तीसरा है
डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग इन तीन फंक्शंस को समझ सकते हैं। जैसे पहले हम कहते हैं कि हमें न्यू इशू निकालना है, न्यू इशू निकालने से पहले आप क्या करते हैं, न्यू इशू निकालने से पहले उसके बारे में आप थोड़ी सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस प्राइस पे निकालना है, किस टाइम पीरियड में निकालना है, किस मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है, ये सारी चीज़ें आप सर्च करते हैं, कितना निकालना है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आप एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद आप इशू निकालते हैं, इशू किस तरीके से निकालते हैं, आप किस मेथड के थ्रू निकालते हैं, देन उस इशू को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि लोगों तक जो सब्सक्राइब कर रहा है पर्सन उस तक वो कैसे पहुंच रहा है। तो ये जो छोटा सा प्रोसेस है इसी में इसके ये तीन फंक्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज ओरिजिनेशन, जो स्पॉन्सर होता है इशू का, स्पॉन्सर का मतलब जो इशू निकाल रहा है, तो जो स्पॉन्सर है इशू का वो परफॉर्म करता है ये फंक्शन, जो भी इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस रिव्यू इशू का वो कर रहा है, कंसल्टेटिव सर्विसेज दे रहा है, ऑथेंटिकेशन दे रहा है, प्रोसेसिंग सर्विसेज दे रहा है इन्वेस्टर्स को, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसी सब काम को, वर्क जो वो कर रहा है और जो सर्विसेज वो रेंडर कर रहा है उसी को ओरिजिनेशन कहा जाता है। ये हेल्प करता है इशूइंग कंपनी को ये डिसाइड करने में कि प्राइस क्या होगा इशू का, उसका प्राइस फिक्स करने में, साइज़ क्या होगा इशू का, टाइम क्या होगा इशू का, और डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी इशू और मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड होती हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ ओरिजिनेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होता है, जो पर्सन अंडरराइटिंग करता है उसे अंडरराइटर कहा जाता है। अंडरराइटिंग क्या होता है, अंडरराइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू जो एक पर्सन है वो इंश्योरेंस देता है इश्यूअर को कि जो भी आप सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी आप इशू करना चाहते हैं वो सारी की सारी सब्सक्राइब हो जाएगी, और अगर वो सब्सक्राइब नहीं होती हैं तो जो भी अंडरराइटर हैं उनको सब्सक्राइब करेगा, तो उसी को हम अंडरराइटिंग कहते हैं। जो पर्सन इश्योर कर रहा है उसे हम अंडरराइटर कहते हैं। जो कंपनी है, जो प्रमोटर है, वो इशू को अंडरराइट करवा सकती है ताकि जो इशू है वो सक्सेसफुल हो, 100% जो आपका इशू है वो सब्सक्राइब हो जाए। अंडरराइटिंग एक तरीके से गारंटी है सक्सेस ऑफ द इशू की, और बेनिफिट्स इसके मिलते हैं इशूइंग कंपनी और इन्वेस्टिंग पब्लिक दोनों को। देन जो थर्ड फंक्शन हमारा आता है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि सेल करना सिक्योरिटीज़ को अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जो ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, डीलर्स जो हैं सिक्योरिटीज़ में उनके थ्रू की जाती है। वो मेंटेन करते हैं रेगुलर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अपने प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव जो अल्टीमेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं उनके साथ। तो ये जो थ्री सर्विसेज फंक्शंस जब आप देख कर रहे हैं तो तीन मेजर फंक्शंस होते हैं, दैट इज कि ये फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसफर रिसोर्सेज सेवर से एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, हेल्प कर रहा है इन रेजिंग रिसोर्सेज एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए, और हेल्प करता है इन द कन्वर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज इशू मैकेनिज्म। इशू मैकेनिज्म को जो टॉपिक है हम उसे और जो दूसरे नेम से जान सकते हैं दैट इज मैथड्स ऑफ फ्लोटिंग सिक्योरिटीज इन द न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट। तो वेरियस मैथड्स हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है दैट इज़ पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड है रेजिंग कैपिटल का फ्रॉम द जर्नल पब्लिक। कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स थ्रू दी प्रोस्पेक्टस। कंपनी जो है वो डायरेक्ट ऑफर करती है इन्वेस्टिंग पब्लिक को कि वो सब्सक्राइब करे कंपनी की सिक्योरिटीज़ के लिए एट अ गिवन प्राइस, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में गिवन होगी। प्रोस्पेक्टस जो है उसमें इन्फॉर्मेशन, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कंपनी का नेम, एड्रेस, नेम एड्रेस उसके डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का, ऑडिटर्स का, बैंकर्स का, ब्रोकर्स का, किस डेट को ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन, किस डेट को क्लोज हो रहा है सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट रेटिंग कितनी मिली है जो भी कंपनीज हैं उनसे, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की जो डिटेल है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, पास्ट परफॉर्मेंस, अगर कंपनी ने कोई देनी है तो एक्सेट्रा जैसी जो चीज़ें होती है वो प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड
होती है। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, जो कंपनी है, जो इशू है, कंपनी के इशू को और कंपनी को दोनों को फुल पब्लिसिटी मिलती है। जो एंटायर इशू है प्रोसेस का, जो एंटायर इशू प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होता है पब्लिक को भी और अथॉरिटीज़ को भी। जो इशू है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। जो इशू है आप अलॉट करते हो अमंग दी एप्लीकेंट्स और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। आर्टिफिशियल स्केयरसिटी की जो शेयर आर्टिफिशियल स्केयरसिटी ऑफ शेयर्स है जो मार्केट में, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और इससे जो प्राइजेस है न्यू फ्लोटेशंस के, उसमें आर्टिफिशियल जो अप एंड डाउन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस इसके आते हैं, दैट इज़ कंपनी को बियर करनी पड़ती है पब्लिसिटी कॉस्ट। इसके अलावा कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है जिसमें ब्रोकरेज अंडरराइटिंग जैसे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। देन कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द प्रॉस्पेक्टस, अदर डॉक्यूमेंट, पोस्टेज, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा के जो चार्जेस हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो कंपनी है उसे लीगल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा आ जाती है। और ये जो मोड है इशूइंग सिक्योरिटी का, वो बेनिफिशियल सिर्फ तब होता है जब आप लार्ज इशू निकाल रहे हैं, क्योंकि इस मेथड की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई होती है। देन हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज ऑफर फॉर सेल मेथड। एक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपने प्राइवेट सोर्सेज से जो मनी है वो रेज कर सकती है। अगर प्राइवेट सोर्सेज से उसने मनी रेज करनी है, अरेंज करनी है, तो कंपनी नीड नॉट टू इशू प्रॉस्पेक्टस। एज पर सेक्शन 71(i) ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस उसे फाइल करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। जब कंपनी अलॉट कर रही है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, उससे 3 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उसे स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 71। इस मेथड के अंदर जो कंपनी है वो इशू करती है शेयर्स थ्रू इंटरमीडियरीज, जैसे कि इशूइंग हाउस हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स हो गया। जो शेयर्स हैं उसको आप अंडर रिटर्न भी करवा सकते हैं। इस मेथड के अंदर जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है वो 2 stages में की जाती है। फर्स्ट स्टेज में जो कंपनी होती है, जो भी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, वो इशू करती है इशू हाउस को या स्टॉक ब्रोकर को एक एग्रीड प्राइस पे। देन सेकेंड स्टेज में जो इशू हाउस या स्टॉक ब्रोकर है वो उन सिक्योरिटीज़ को रीसेल करता है इन्वेस्टर्स को, अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को, एट अ हायर प्राइस, जिस प्राइस पे उसने सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं, उस जिस प्राइस पे उसे सिक्योरिटीज़ इशू हुई हैं कंपनी से, उससे ज़्यादा प्राइस पे वो आगे उसे सेल करता है अल्टीमेट इन्वेस्टर्स को। तो ये जो डिफरेंस होता है परचेज प्राइस का और रीसेल प्राइस का, उसे टर्न कहा जाता है, TURN। और ये इशू हाउस या स्टॉक ब्रोकर्स जो है इस टर्न को यूज़ करते हैं अपने वेरियस एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, सेक्टर को मीट आउट करने के लिए। जो एडवांटेजेस हैं इस मेथड के, दैट इज़ कि जो इशूइंग कंपनी है सेलिंग ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्री हो जाती है। जो कंपनी है वो अपने एक्सपेंसेस सेव कर सकती है एडवर्टाइजमेंट के, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। जो कंपनी होती है उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है, दैट इज इस कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस जो इसके हैं, दैट इज़ जो इशू हाउस होता है वो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको जब पब्लिक को सेल कर रहा है तो वो एट अ हायर प्राइस सेल कर रहा है, तो जो डिफरेंस है वो उसी की पॉकेट में जा रहा है जिससे वो अपने एक्सपेंसेस मेट आउट कर रही है। और जबकि जो कंपनी है उसे कोई एक्स्ट्रा नहीं चीज़ नहीं मिल रही है उसके लिए। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट जो मेथड है हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।